नमस्कार ऑल द स्टूडेंट, माई सेल्फ उमेश कौर शेखावत एंड टूडे आई एम गोइंग टू टीच द नेक्स्ट टॉपिक्स इन चैप्टर 3 इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द टॉपिक्स आर द रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड द टॉपिक इज विच यू विल डिस्कस इन दिस वीडियो. द टॉपिक फर्स्ट इज ओम्स लॉ एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ओम्स एंड सेकेंड इज रेजिस्टेंस, दैट इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज आर. And the third is specific resistance or also called the resistivity and the symbol is this, that is called rho. Now the fourth point is conductance, symbol is G, and the fifth is specific conductance. This is the stylish K is called as a kappa, and the sixth and the last is self constant. In this video we will discuss these topics one by one. Now the first topic is the Ohm's law. We know that the Ohm's law, Ohm's is a scientist, that is George Simon Ohm, is give the relationship in between the potential difference, or can say that in between the two ends, the potential difference in between two ends and the electric current which flow from one to second end. This is the this relation given by the Ohm's law, and law states that the voltage or the potential difference, voltage or potential difference कैसे दो electrode लिए और in this electrolytic solution उसको dip कर दिया. तो यहाँ जो electrodes है इन दोनों electrodes के बीच में जो भी मैंने point A और B दिया, जो potential difference है इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये सेकंड, यानी टू एंड्स के का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, और जो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसके रिलेशन को बताया ओम्स ने. एंड गिव द लॉ दैट वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और इलेक्ट्रिसिटी passing through the resistance and the directly proportional to the resistance of the circuit. यानी जो भी electricity यहां से यहां pass होगी उस electricity में कोई resistance भी होगा. तो उसने क्या relation दिया, that is V directly proportional to I, that is जो भी potential difference है वो किसके directly proportional होगा, जो electricity उसमें से pass हो रही है, and ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज द रेजिस्टेंस, जो भी उस इलेक्ट्रिसिटी वहां जिस रास्ते से वो जा रही है, जो भी इसके बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उस इलेक्ट्रिसिटी में कितना रेजिस्टेंस आया वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. तो द फॉर्मूला फॉर द ओम लॉ इज दैट इज वी इक्वल्स टू आई आर, एंड वी कैन रीअरेंज दैट इज द आर अपॉन आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द SI यूनिट फॉर द ओम्स लॉ. आर जो होता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, जो SI यूनिट है, दैट इज ओम. और जब हम आर इक्वल्स टू देखते हैं तो वी अपॉन आई, दैट इज अ वी इज द पोटेंशियल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज अ डेल्टा वी इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन V1. This is the potential difference. And I is the ampere, जो भी electricity flow हुई है from the, in between the two ends of the electrodes. This is the formula, and the potential difference जो होगी उसकी जो unit होती है, that is a volt. And इसकी क्या होगी, that is ampere. So we can calculate the calculate the SI units or other units for the anything that just like R, just like V and ampere through this these formulas. So here this is ohm symbol and the ohm is the SI unit for the resistance. Now this is the first topic is Ohm's law, and by the help of these formulas we can understand the next topic. Now the next topic is the resistance. Resistance को हम कैसे समझेंगे, जो भी electricity है through the two
सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो इन बिटवीन द टू एंड्स जब इलेक्ट्रोड्स हम डिप कर रहे हैं, तो दो एंड्स के बीच में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है उसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन अगर आता है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या कहेंगे हम, दैट इज रेजिस्टेंस. इट मीन्स दैट वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंटेड बाय द ड्राइवर टू द इलेक्ट्रिक करंट बीइंग अफेक्टेड इन दैट कंडक्टर. और दिस इज द ऑब्जेक्ट इन विच द इलेक्ट्रिसिटी विल पास. सो हाउ कैन द रेजिस्टेंस अफेक्ट द इन बिटवीन द एरिया. सो द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अफेक्ट द रेजिस्टेंस एंड वी कैन से दैट इज द आर, दैट इज द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. दैट इज अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में जितनी लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. नाउ दैट इज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इट मीन्स दैट जो भी कंडक्टर है उसका जो एरिया है अगर वो ज्यादा है तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस कम होगा. इट मीन्स दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बट द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला विद टुगेदर एंड दिस इज द आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. नाउ व्हेन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारे पास में यहाँ एक कॉन्स्टेंट आएगा, दैट इज आर इक्वल्स टू दैट इज रो एल अपॉन ए. दैट इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कैन से सिंगल रेजिस्टिविटी. दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस दैट इज आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. नाउ इफ द एल इज द 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स दैट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इन दिस कंडीशन द आर इक्वल्स टू रो हो जाता है. अगर हम वैल्यू पुट करें इन दिस फॉर्मूला दैट इज आर रो एल अपॉन ए, एल इक्वल्स टू 1 एंड ऑल्सो एरिया इक्वल्स टू 1. तो इन दिस कंडीशन द आर इक्वल्स टू रो. सो इन दिस कंडीशन द रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंट और कैन से दैट द रेजिस्टिविटी. सो वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी इज दैट द इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हूज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नाउ द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज दैट वी नो दैट द फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. नाउ वी विल अरेंज, दैट इज रीअरेंज द रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल. नाउ आर इज द रेजिस्टेंस और आर की यूनिट क्या होती है, दैट इज ओम. सो वी कैन राइट दैट इज ओम एंड ए इज द सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एल इक्वल्स टू सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर से 1 कट गया तो हमारे पास में क्या बचा, दैट इज अ रो सेंटीमीटर. दिस इज द एसआई यूनिट फॉर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. दिस इज द सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट दैट इज रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कंप्लीट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कंडक्टेंस. What is the conductance? The conductance is the reciprocal of the electrical resistance is called the conductance. It means that the inversely proportional to the resistance. So we can denote by the G and C. कई books में वो C से भी denote किया गया है conductance को और कई books में G से. So मैं यहाँ पे G लूंगी and we can according to the definition that is the reciprocal of the resistance. So if we can write that G equals to 1 upon R and the unit of the conductance is, we know that the unit of R is the ohm, that is ohm. We can say that is ohm. Now, so
सो ये जो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू जो आया है दैट इज ओम इनवर्स, दैट इज ओम इनवर्स एंड दिस इज द एसआई यूनिट फॉर द कंडक्टेंस. द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम मो भी लिख सकते हैं और मो को हम सिमंस कहते हैं, जो दैट इज वन ओम इनवर्स जो होती है उसकी वैल्यू होती है सिमंस. सिमंस ऑलरेडी ओम का ही जो साइंटिस्ट नेम जो कंप्लीट है दैट इज जॉर्ज सिमंस, ओम जॉर्ज सिमंस है, तो सिमंस भी इसकी यूनिट है. सो या तो आप ओम इनवर्स लिख दीजिए या फिर सिमन लिख दीजिए, और यू कैन से ऑल्सो द एम एच ओ. द थ्री फॉर्म्स ऑफ द यूनिट इज ऑल करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, एंड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कैन से द कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय द स्टाइलिश के एंड कॉल्ड इज अ कप्पा, दैट इज कप्पा. नाउ व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी. इट मीन्स दैट कप्पा इक्वल्स टू वन अपॉन रो, एंड वी नो दैट द on the basis of last topic that is a rho r equals to rho l upon a, when rearrange the equation that is rho equals to r a upon l. Now put this value in this equation here, equation 1. Now put the value of rho. After putting the value of rho in this, in the first equation, we get that is kappa equals to 1 upon r multiplied by l upon a. And we know that the on the basis of conductance, that is g, g equals to 1 upon r. So we can put the value of g, 1 upon r, on the basis of that is g. So we get that kappa equals to g l upon a. Now, so we get the kappa equals to g l upon a. If l equals to 1 centimeter, jo bhi length of conductor hai, wo kitni ho? Agar 1 centimeter and the area is the 1 centimeter square. After putting the value in this equation, that is kappa equals to g, that is 1 centimeter and the 1 centimeter square. Then one, so we can write that is kappa is equals to g. It means that the specific conductance is equals to the conductance. So we can the moderate the definition, and the definition of the specific conductance is that the conductivity of a solution may be defined as the conductance of a solution of 1 centimeter length and 1 centimeter square cross section area. Or can say also the second definition is can say that is g is the conductance of, g is the conductance of 1 centimeter cube or 1 meter cube of the solution of electrolytes. This is the specific conductance or the conductivity of the solution. Now the unit of kappa, that is we know the formula kappa equals to 1 upon rho, और rho की already unit हम last पहले निकाल चुके हैं. तो rho की unit क्या थी, that is ohm centimeter, maybe the ohm centimeter and ohm meter, तो हम ohm centimeter लेंगे. So the unit of the kappa is ohm inverse centimeter inverse. This is the unit of the kappa, that is specific conductance or can say that conductivity. Now the next topic is cell constant. We know that the formula of kappa equals to g l upon a. Now in case of electrolytes, that is l by a is also known as cell constant and denoted by the g star. So we can put the value here and we can write that is kappa equals to g and g star, that is the when
will rearrange this. Here the conductivity, or you can say that specific conductance, is equals to the conductance, that is conductance multiplied by the cell constant. And also we can rearrange this equation. We know that the kappa equals to G star, and we know that is a G. When rearrange the equation, G equals to kappa upon G, and we know that the G equals to 1 upon R. So we can put the value here on the instead of G, then we get that G star, that is cell constant, equals to kappa multiplied by R. That is the formula for the cell constant. Cell constant equals to specific conductance multiplied by the resistance. Now, the unit of the kappa. Now, the unit of the kappa on the basis of the, unit of the cell constant, that is a G star. We know that the G star equals to L by A. And we know that the L equals to meter and the A equals to meter square. Now, the G cell constant unit is meter inverse, or that is centimeter inverse. Thank you very much.